नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो 17वां क्वेश्चन करेंगे, कल कक्षा 9वीं का साइंस का यह पेपर है 2019-20 का। तो देखें आप कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उत्तर लिखते हैं। एक व्यक्ति जो जल जनित अतिसार से पीड़ित है, बिना मितलाई के उसे उल्टी यानी वमन आती है और कुछ ही घंटों में उसके शरीर से काफी मात्रा में जल ह्रास हो जाता है यानी कमी हो जाती है। उस रोग का नाम लिखिए और यह भी बताइए कि यह रोग किस जीव के कारण होता है। तो लिख देंगे कि ये जो रोग हुआ है या उसको अतिसार हुआ है, यानी इसे निर्जलीकरण का रोग भी कहते हैं। जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो इसको अतिसार कहते हैं। ये किस रोग की वजह से, रोगाणु की वजह से होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, फिर अगला पूछा था इस बीमारी से बचने कोई दो उपाय लिखिए। तो लिख देना था कि इससे बचने का ये उपाय है कि व्यक्ति को उगला उबला पानी देना चाहिए और साथ में दूसरा उपाय है कि नमक या शर्करा को मिलाकर दिन में 4 से 5 बार उसे पिलाना चाहिए। ठीक है, या ORS का घोल पिलाना चाहिए बच्चा है तो। अगला है अथवा में था कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक रोगों में एक अंतर लिखिए। तो दीर्घकालिक रोग और अल्पकालिक रोग में क्या अंतर है? दीर्घकालिक रोग, यह रोग लंबे समय तक अथवा जीवन पर्यंत रह सकता है और अल्पकालिक रोग, यह रोग कुछ दिनों तक रह सकता है। यह बहुत बड़ा प्रभाव डालता है या यह शरीर पर बहुत लंबा प्रभाव डालता है। इससे व्यक्ति का वजन कम हो जाता है और यह प्रभाव कम डालता है, इससे व्यक्ति वजन ज्यादा होता है। उधर बैठो भाई, इसके प्रभाव खतरनाक होते हैं और इसके प्रभाव खतरनाक नहीं होते हैं। इसका उदाहरण है क्षय रोग यानी TB, इसका उदाहरण है खांसी और जुकाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक क्या है और इसका एक उदाहरण भी लिखिए। तो ये कई बार एग्जाम में आता है, प्रतिजैविक को इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कवक और जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं एवं ये रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु की मृत्यु दर को मृत्यु कर देते हैं, यानी बीमारी फैलाने वाले रोगों की को मार देते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पेंसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो इसके अलावा या तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है नहीं तो ये आता है। प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनिजाइजेशन क्या होता है? अनेक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों के उत्पन्न करने हेतु प्रतिजन को कमजोर करके या मारकर उसे शरीर के अंदर प्रविष्ट कर देते हैं और इस प्रतिजन से प्रतिरक्षी तंत्र प्रेरित होकर स्मृति कोशिकाएं बनाता है जो अगली बार रोग होने पर तुरंत मारक कोशिकाओं को जन्म देता है जो रोगों से लड़ते हैं। और प्रतिरक्षीकरण टीके द्वारा किए जाते हैं, तो जैसे BCG का टीका होता है क्षय रोग से बचने हेतु ये एक टीका है। मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करिए जो वायु प्रदूषण में सहायक है। तो वायु प्रदूषण में सहायता के लिए मनुष्य कौन कौन से 3 क्रियाएं करते हैं? तो कूड़ा जलाना, फैक्ट्रियों से धुआं का निकलना और वाहनों से यानी गाड़ियों से धुआं निकलना। ठीक है, और कोई उत्तर आता हो तो आप वो लिख सकते थे। यदि किसी परमाणु का K और L कोष भरा है, मतलब कोई परमाणु है तो उसका K कोष भी भरा है, L कोष भी भरा है, तो हम जानते हैं पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 होते हैं, तो यानी 10 हो गया, 2 और 8 10। तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 10। ठीक है, तो इसका आंसर 10 लिखना था। अगला है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 13 है, तो उस परमाणु संख्या क्या होगी? तो वो भी 13 होता है। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या होती है या प्रोटोनों की संख्या ही परमाणु संख्या होती है, तो तीनों ही बराबर होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटोन और उतनी ही परमाणु संख्या होती है 13। अगर ये परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता तो हम न्यूट्रॉन और प्रोटोन को जोड़ देते। ठीक है, यदि एक 1200 वोल्ट की विद्युत स्त्री 20 मिनट प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाती है तो इसके द्वारा नवंबर के माह यानी महीने में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय की गई, ये पता करना है। ठीक है, यदि एक 1200 वोल्ट की विद्युत स्त्री 20 मिनट प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाती है तो इसके द्वारा नवंबर माह में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय की गई है, तो इसका उत्तर देखेंगे।
अगर शक्ति यानी पावर 1200 वोल्ट है तो पहले से किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे तो 1.2 किलोवाट आ जाएगा। समय जो मिनट में है 60 से भाग करके घंटे में बदलेंगे तो 1/3 घंटे आएगा, क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि नवंबर के महीने में 30 दिन होता है और एक दिन में इतना यूज होता है तो इसे गुना कर देंगे तो आ जाएगा नवंबर में 10 घंटे। तो विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए शक्ति और समय को गुना कर देंगे तो 1.2 किलोवाट को 10 घंटे से गुना कर देंगे, गुना होकर 12 किलोवाट आंसर आएगा। तो या तो आप इतना छोड़ सकते हो, नहीं तो जानते हो आप 1 किलोवाट में इतने मतलब जूल होते हैं, तो इतने जूल को 12 से गुना करके आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इन सूचीबद्ध क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीमा एक तालाब में तैर रही है, तो लिख देंगे ना इसमें कार्य हो रहा है क्योंकि इसमें ना विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो जब ना कार्य का फॉर्मूला आता है बल गुना विस्थापन, तो जब ना किसी वस्तु पर बल लगे और वो विस्थापित होती है तो उसे कार्य कहते हैं। तो पहला हुआ कि इसमें कार्य हो रहा है। दूसरा, एक हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो देखोगे कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे तो गति करते नहीं है यानी विस्थापन होता नहीं है, तो कार्य यानी नहीं हो रहा है लिख दोगे, क्योंकि विस्थापन शून्य है, जीरो है। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो बस इसमें बल लग रहा है और ये गतिशील है, तो कहेंगे कि हाँ इसमें कार्य हो रहा है। ठीक है, अगला है कि 21वां क्वेश्चन, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर देखेंगे, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन तथा अन्य गैसें पाई जाती है। वायुमंडल दिन में ताप को बढ़ने से रोकता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन श्वसन हेतु आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं, तो हवा की गति वायुमंडल की क्रियाओं का ही परिणाम है, तो इसीलिए सभी जीवों के लिए वायुमंडल जो है वो बहुत आवश्यक है। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले ओजोन के दो रूप कौन से हैं, तो लिख देंगे ओजोन और ऑक्सीजन या ऑक्साइड। अगला है कि दो तरीकों का सुझाव दीजिए जिसके द्वारा किसी सतह पर लगने वाले दाब कम हो सके। तो पहले दाब का फॉर्मूला जानते हैं, बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो या तो क्षेत्रफल को बढ़ा के दाब को, अच्छा दाब को कम करना है तो कम करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ाना होगा या बल को कम करना होगा। ठीक है, दो उपाय हो गया। अगला कह रहा है कि किसी वस्तु का घनत्व 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है और इसे किलोग्राम पर मीटर के क्यू में प्रदर्शित कीजिए। तो पहले जो 1.8 ग्राम है इसको हम लिख देंगे 1.8 बटे में सेंटीमीटर क्यू है तो 1 लिख देंगे। अब इसको पहले किलोग्राम में देने के लिए 1000 से भाग करेंगे, 0.1 उठाएंगे 10 आ जाएगा, ये गुना होकर 18 बटे में 10000 आ जाएगा और भाग देने पर इतने किलोग्राम में चेंज हो गया। और ऐसी हम ना ये जो नीचे एक था इसको हम 3 बार 100-100 से भाग करेंगे ताकि मीटर की क्यू बन जाए, तो 1/1 = 60। अब किलोग्राम पर मीटर की क्यू चाहिए तो इसको इससे भाग कर देंगे, तो 18/10000 को 1/1 = 60 से भाग कर देंगे, 4 जीरो 4 जीरो कट जाएगा, सबसे नीचे वाला ऊपर गुना आ जाएगा, तो गुना करके आ जाएगा 1800 किलोग्राम पर मीटर की क्यू। अगला है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है और क्यों। तो लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर कहलाता है क्योंकि ये एटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है जिन्हें ऊर्जा के सिक्के कहते हैं, और एक एटीपी में 30.5 जूल की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है, अगला है 24वां, ये चित्र दिख रहा है, चित्र को देख के बताना है। किसी तार द्वारा 150 हर्ट्ज की आवृत्ति की एक तरंग उत्पन्न करता है तो ज्ञात कीजिए तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य होता है इन दो के बीच की दूरी, तो ये 25 दे रखा है, तो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में होना चाहिए, तो 100 से भाग दे दोगे तो 0.25 मीटर। फिर अगला था कि आयाम बताओ, तो ये जो जितना ऊंचा है ना 6, तो ये आयाम होता है, तो आयाम भी 6 सेंटीमीटर में पहले से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे 0.06 मीटर। अगला है कि तरंग का वेग क्या है।
तो तरंग का वेग निकालने के लिए आवर्ती को तरंग दैर्ध्य से गुना कर देते हैं। तो आवर्ती परसर में 150 हर्ट्ज था और तरंग दैर्ध्य हमने 0.25 निकाला था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 37.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये केवल दृष्टिबाधित के लिए था, छोड़ रहे हैं। सेक्शन सी पे आते हैं, इसमें ग्राफ को देख के आपको उत्तर देना है। पानी के लिए नीचे दिए गए ग्राफ को समझे और बताएं। तो इस ग्राफ दे रखा है, समय है 2 मिनट 4 मिनट, और ये तापमान दे रखा है 0 -10 और ऊपर 100 और उससे आगे। और ये ग्राफ पहले ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी पे शांत है, फिर सी से डी, डी से ई शांत है, फिर ई से एफ। तो इसको देख के आपको ये उत्तर देना है कि ग्राफ के किस भाग में केवल ठोस उपस्थित है। तो ठोस ना इस माइनस वाले भाग में होता है ए से बी, तो उसका उत्तर जाएगा ए से बी। ग्राफ के किस भाग में केवल द्रव उपस्थित है, द्रव होता है 0-100 के बीच, तो सी से लेकर डी उत्तर आप लिख दोगे सी डी भाग में। ग्राफ का कौन सा भाग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को प्रदर्शित करता है, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो यहाँ होती है, ठीक है, 100 के पास होती है, 100 से थोड़ा ऊपर। तो लिख दोगे डी से ई पर, ठीक है, डी से ई पर। तो इसका उत्तर जाएगा डी से ई। ये केवल दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए था, इसको छोड़ रहे हैं। इसमें अथवा में था कि निम्न कथनों के कारण स्पष्ट कीजिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ का टुकड़ा मुंह में अधिक ठंडक देता है, क्यों? क्योंकि बर्फ का पृष्ठीय घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए। तेज बुखार होने पर डॉक्टर माथे पर ठंडी पट्टी रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण से मरीज को राहत महसूस होगा, उसका बुखार कम होगा, इसलिए उसको रखने के लिए ऐसा कहा जाता है। समय के साथ नेफ्थलीन की गोलियां बिना ठोस या अवयव छोड़े गायब हो जाता है, क्यों? तो ऊर्ध्वपातन होने के कारण। नेफ्थलीन जो होती हैं, ये इनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वे पदार्थ जो सीधा ठोस से गैस में बदल जाते हैं या गैस से ठोस में बदल जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। लिखा है कि निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, सोडियम ऑक्साइड। तो ये रहा आपका एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट और सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला है कि 4 मोल एल्युमिनियम का द्रव्यमान क्या होगा, तो लिख देंगे कि पहले 1 मोल एल्युमिनियम 27 ग्राम होता है, तो 4 मोल के लिए 4 गुना कर देंगे तो 108 ग्राम या 108 यूनिफाइड। अगला है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल उपस्थित हैं, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 12, परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 32 = 44 ग्राम 1 मोल हुआ, तो 22 तो 44 का आधा है, तो आधा मोल हो जाएगा, ठीक है। न्यूरोन का नामांकित चित्र बनाइए, तो हमने न्यूरोन का ये चित्र बना दिया है। फिर अगला बोलता है हृदय पेशी उत्तक का मुख्य कार्य लिखिए, तो लिख दोगे यह हृदय में पाई जाती है, यह नैच्छिक होती है और इसका काम होता है कि जो खून होता है रक्त उसको निरंतर प्रवाहित करना शरीर में लयबद्ध तरीके से, और यह तेजी से सिकुड़ती है, बंद होती है और शरीर में रक्त का प्रवाह और भोजन ऑक्सीजन का प्रवाह करती है। अगला है वह उत्तक जो जड़ों द्वारा जल का शोषण कर उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी, उस उत्तक का नाम बताओ, तो उसका लिख देंगे जाइलम उत्तक या दारु उत्तक। 28वां क्वेश्चन, ये लिखा है कि किन्हीं 3 लक्षणों को लिखिए जिनकी सहायता से उभयचर और मत्स्य वर्ग के जीवों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। तो ये रहा अंतर उभयचर और मत्स्य का। ये असमतापी प्राणी है, ये जल स्थल दोनों में रहते हैं, इनकी त्वचा नम और कोमल होती है, इन पर बाल नहीं पाए जाते, ये अंडे देते हैं जैसे मेंढक। इसमें मछलियां आती हैं, ये जल में रहती हैं, ये श्वसन क्लोम से करती हैं, ये फेफड़े से भी करते हैं। बाह्य कंकाल सलकों का बना है, इनकी बाह्य कंकाल त्वचा का बना है। कान इनके नहीं होते हैं, इनके कान होते हैं। और हृदय की कक्षी है, द्विकक्षी होता है, इसमें मगरमच्छ का चतुर्कक्षी भी होता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए रोहू और टूना, ठीक है। ब्रायोफाइटा को पादप जगह का उभयचर क्यों कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा कि ब्रायोफाइटा को पादप जगह का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल स्थल दोनों में रहते हैं। इनका शरीर तना और पत्ती में बटा होता है, इनमें सेन्मेन उत्तक नहीं होता है, इसका धारण है मोस और मरकेसिया।
चित्र में दिए गए जीव को पहचानकर इसका नाम लिखिए और यह जीव किस फाइलम या मतलब किस फाइलम का जीव है। तो दिख रहा है कि यह आपका केचुआ है, तो ये किस फाइलम में आता है तो ये आपको खुद पता करना है, ठीक है। अगला है 29वां कि त्वरण को परिभाषित करो, इसका एसआई मात्रक बताओ। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका सूत्र त्वरण का वी माइनस यू अपॉन टी है। अगला है कि किसी कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं और इन सारणी द्वारा कार का त्वरण और विस्थापन दोनों ज्ञात करो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है समय 9:25 से 9:45 यानी 20 मिनट और स्पीडोमीटर का पाठ्यांक पहले 36 किलोमीटर पर आ था, 72 हो गया, तो यानी स्पीड हो गई 36। तो यानी इनका समय इतना और स्पीडोमीटर का पाठ्यांक इतना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पहले हमने प्रारंभिक वेग देखेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले इसे हम मीटर में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 3600 से भाग करके 1000 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग 72 था तो वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर समय था 20 मिनट, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 गुना कर देंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 1200 सेकंड आ जाएगा। तो अब तुम्हें अभी त्वरण निकालना था, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी, तो 20 में से 10 गया बटे में 1200 काट दोगे, 1/120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन निकालना है, विस्थापन यानी दूरी होता है, दूरी का फॉर्मूला चाल गुना समय होता है, चाल था 36 किलोमीटर पर आवर, समय था 20 मिनट, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर विस्थापन, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रत्येक का कारण स्पष्ट कीजिए। जब कोई बस अचानक गतिशील होती है तो यात्री पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं? जड़त्व के कारण। क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं, क्यों? तो ये होता है संवेग के कारण, गति का दूसरा नियम। और कार में सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है जड़त्व के कारण। किसी गतिशील बस से कूदने वाले यात्री आगे की ओर क्यों गिरता है? तो जड़त्व के कारण। और किसी छड़ी से दरी को पीटने पर धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं? तो जड़त्व के कारण, ठीक है। और भी इसके बारे में डिटेल से लिखेंगे। अगला है कि यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है? तो घोड़ा जब आगे की पीछे की दिशा में पैरों से बल लगाता है तो तभी घोड़ा गाड़ी आगे चलता है। तो क्रिया उसने पीछे किया और प्रतिक्रिया आगे की ओर हुआ। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम को गणितीय सूत्र की व्युत्पन्न कीजिए। एफ बराबर एम गुना ए आपको प्रूफ करना है। तो ये आपका गति का दूसरा नियम लिखा है। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के स्तनवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है तथा स्तनवेग परिवर्तन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो बल को हमने मान लिया एफ है, जो कि एम द्रव्यमान की वस्तु पर क्रिया करता है और वस्तु का त्वरण ए उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार जो बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होती है संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन P2-P1 बटे में T। तो संवेग होता है M गुना V। तो हम यहाँ पे बराबर का स्थान लेने के लिए K ले लेंगे। K एक स्थिरांक है। उसके बाद P का फॉर्मूला M गुना V, इसका M गुना U। तो दोनों में M कॉमन ले लेंगे तो V माइनस यू अपॉन टी, ये होता है A। K का मान एक रख देंगे तो F बराबर M गुना A। तो बल का ऐसे मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया।